हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपका और एक नए मेरे वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले AKFI कार्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा कार्ड है जो मोस्टली बहुत कबड्डी प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि AKFI कार्ड क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है बनाने का, कैसे बनाना चाहिए, कहाँ पे मिलता है। तो इस वीडियो में सब सवालों का जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा इसका यूज़ क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो भी नए वीडियो बनाऊंगा एशियन गेम रिलेटेड, प्रो कबड्डी रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मैं नया कोई वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को शेयर करना। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ AKFI कार्ड होता क्या है। फ्रेंड्स, क्या होता है, आप कहीं भी NYP ट्रायल्स होते हैं कोई भी PKL फ्रेंचाइजी के, तो वो लोग डेट्स दे देते हैं, ये डेट्स पे आना है आपको, पूरा आपका जो डाटा है वो लेके आना है ट्रायल को पूरी तैयारी के साथ। तो उसमें लिखा रहता है AKFI कार्ड, AKFI कार्ड भी ज़रूरी है। तो बहुत लोग जाते हो पे ट्रायल को, उनको कुछ समझता नहीं है। 100 में से 50% लोग ट्रायल दे ही नहीं पाते, क्योंकि ट्रायल में उनके पास AKFI कार्ड मांगा जाता है और उनके पास वो नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि वो कार्ड बनाते कैसे है। तो फ्रेंड्स, आपको पूरी डिटेल बताऊंगा मैं, क्योंकि आप कोई भी फ्रेंचाइजी के ट्रायल के लिए जाओगे एज अ प्लेयर, एज अ NYP प्लेयर, तो आपको AKFI कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना आपका ट्रायल नहीं लिया जाएगा, आपको ट्रायल में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आपको बताता हूँ मैं, ट्रायल जाने के पहले आप AKFI कार्ड कैसे लेके जा सकते हो, कैसे बनवा सकते हो। AKFI मतलब अमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो अपनी एसोसिएशन है उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया AKFI। तो फ्रेंड्स, आपको बताता हूँ कि AKFI कार्ड कैसे बनाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आपको बताता हूँ ये कार्ड कैसे बनता है। तो आप गूगल क्रोम पे जाओगे, गूगल क्रोम पे टाइप करोगे AKFI कार्ड और सर्च करोगे। सर्च करने तो खुल जाएगा, AKFI का जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा, उसको आप क्लिक करो। क्लिक करोगे तो AKFI के मेन पेज पे आप जाओगे। रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, ऐसे दो ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप न्यू हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वहाँ पर। रजिस्ट्रेशन में आपकी पूरी जानकारी पूछेंगे, आप कौन से स्टेट से, वो स्टेट सिलेक्ट करना है, आपका नाम पूरा फिल करना है, आधार कार्ड नंबर आपको डालना है इसमें, और आपका मोबाइल नंबर डालना है। फिर मोबाइल नंबर पे आपके एक OTP आएगा, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जब भी आप इस वेबसाइट पे लॉग इन करोगे तो पासवर्ड आपको पूछा जाएगा, वो पासवर्ड एक बनाना है और ध्यान में रखना है आपके। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है जो आपके राइट हैंड साइड पे दिखा रहा है, और उसको क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी बने हुए मेंबर हो तो आपको लॉग इन का ऑप्शन आएगा, आप उसमें आप डिटेल डाल के आपका पासवर्ड डालोगे, मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड डालोगे तो ओपन हो जाएगा। साइट पे जाते हो ध्यान रखना, अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे रजिस्टर हो तो वापस आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना है। रजिस्टर हो तो सिर्फ मोबाइल नंबर डाल के आपका पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डाल के लॉग इन करना है, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, एक ही बार भरना है, क्योंकि आपका पूरा डिटेल वहाँ पे जाता है, आपका आधार कार्ड का डिटेल, मोबाइल नंबर। जब आप रजिस्टर करोगे तो रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको ₹500 पे करनी है, तो आप अलग अलग पेमेंट के माध्यम में वहाँ से आप पे कर सकते हो। पे करने के बाद मतलब गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अलग अलग ऑप्शन से वहाँ पे से पे कर सकते हो, या आप उनके एड्रेस पे डिमांड ड्राफ्ट भी भेज सकते हो। एड्रेस पे डिमांड ड्राफ्ट भी पे करके आप बना के प्रॉपर डिमांड ड्राफ्ट आप भेज सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको ध्यान रखना है, आपका जो फ़ोटो है उसकी एक स्कैन कॉपी आप रेडी रखना है, आपका जो एड्रेस प्रूफ है उसका स्कैन कॉपी आपको रेडी रखना है, आइडेंटिटी प्रूफ का स्कैन कॉपी रेडी रखना है। बस आप पेमेंट जैसे ही करते हो आप रजिस्टर हो जाओगे, और आपका जो एड्रेस डालोगे वो एड्रेस पे आपका AKFI कार्ड आ जाएगा, या उसको आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसीजर है AKFI कार्ड के लिए।
तो बहुत से लोगों को पता नहीं था एक एफआई कार्ड होता क्या है। इसके लिए मैं सोचा एक वीडियो बनाऊं। जो नए प्लेयर है, अलग अलग स्टेट से प्लेयर है, बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम लोग ट्रायल पे कैसे जाए, एक एफआई कार्ड क्या होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं। इसके लिए मैं सोचा एक वीडियो बनाऊं और आप तक शेयर करूँ फ्रेंड्स, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। जब भी वो किसी ट्रायल को जाएंगे, एनवाईपी ट्रायल के लिए जाते हैं, तो यंग जो लड़के हैं उनको कुछ पता नहीं होता है कि क्या प्रूफ लेके जाना है। तो वो लोग क्या आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड हो गया, रेसिडेंशियल प्रूफ हो गया, फोटोज़, ये सब लेके जाते हैं, लेकिन एकेएफआई कार्ड के बारे में किसी को पता ही नहीं होता है। तो वो कोई कार्ड लेके जाते नहीं और वहाँ पे जाके उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उनको ट्रायल देने मिलता ही नहीं, ऑलमोस्ट 50% लोगों को ट्रायल देने मिलता ही नहीं, क्योंकि उनके पास एकेएफआई कार्ड है ही नहीं, उन्होंने एकेएफआई कार्ड को रजिस्टर किया ही नहीं कभी। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ये वीडियो बहुत लड़कों तक पहुँचे, पूरे जितने भी स्टेट्स है, जितने भी फ्रेंचाइजी के लिए, सब लड़के लोग जहाँ जहाँ से जाएंगे ट्रायल के लिए, एनवाईपी ट्रायल के लिए, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे। फ्रेंड्स, आपको एक ही काम करना है, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपके जो भी अलग अलग स्टेट में फ्रेंड है, आपके जो एकेडमी है वहाँ पे फ्रेंड है जिनको ट्रायल पे जाना है, क्योंकि अलग अलग फ्रेंचाइजीज अपने ट्रायल के डेट्स डिक्लेयर करती है। अभी भी मोस्टली बहुत लोगों के ट्रायल बाकी है, बहुत लोगों के ट्रायल होंगे एनवाईपी प्लेयर्स के, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको पहले प्रॉपर रजिस्टर करना पड़ेगा एकेएफआई के वेबसाइट पर जाकर, फिर आपको एकेएफआई का कार्ड मिल जाएगा। एक बार आप एकेएफआई के वेबसाइट पर रजिस्टर हो गए, आपका एकेएफआई का कार्ड बन गया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इंडिया के कौन से भी कोने पे आप ट्रायल देने जा सकते हो, कोई भी फ्रेंचाइजी के लिए ट्रायल देने जा सकते हो। जब भी किसी फ्रेंचाइजी का ट्रायल निकलेगा एनवाईपी प्लेयर के लिए, तो आप बिंदास जा सकते हो आपके प्रूफ लेकर, आपका रेसिडेंशियल प्रूफ हो गया, एक आईडी प्रूफ हो गया, आपके फ़ोटोज़ और ये एकेएफआई कार्ड, ये लेके आप जा सकते हो और बिंदास ट्रायल दे सकते हो। फ्रेंड्स, इसके आगे किसी को कुछ मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यही सब डॉक्यूमेंट ज़रूरी है और एकेएफआई कार्ड सबसे ज़रूरी है, तो आपको लेके जाना है ज़रूर। इसके लिए आप पहले रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर तो लॉगिन कीजिए, आपका कार्ड बनाइए, अगर आप न्यू हो तो आप रजिस्टर कीजिए, प्रॉपर आपकी डिटेल भरिए, नाम आपका प्रॉपर डालिए, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा भी मत करना, क्योंकि कार्ड में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, तो थोड़ा भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना फ्रेंड्स, प्रॉपर सब डिटेल भर देना। पेमेंट होते ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, 500 रुपीज चार्जेस होते हैं, जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो आपका कार्ड बन के रेडी हो जाएगा और आपको मेल आ जाएगा, या आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और जहाँ भी आप ट्रायल के लिए जाओगे वहाँ पर आप लेके जा सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कार्ड के बारे में यही पूरी जानकारी थी, पूरी डिटेल आप प्रॉपर समझ लीजिए, वेबसाइट देख लीजिए कौन सी है, और कुछ भी मिस्टेक मत कीजिए जब आप रजिस्टर करोगे, तभी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। यही मेरा मकसद था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया फ्रेंड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ जाता है, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ उससे, आपका सपोर्ट मिलता है तो, और अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ आपके लिए फ्रेंड्स। जितने भी कबड्डी अपडेट है आपके लिए लेके आऊँगा मैं, नए नए मैचेस के अपडेट्स, नए नए मैचेस लाइव हो या रिकॉर्डेड मैचेस हो, वो सब अपलोड करूँगा मेरे चैनल पे, ओनली फॉर कबड्डी फैंस जो मेरे सब्सक्राइबर है उनके लिए। तो फ्रेंड्स, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, आपका सपोर्ट ऐसे ही देते रहना। अभी एशियन गेम्स आने वाला, तो एशियन गेम्स के देखते हैं क्या लाइव कहाँ पे होने वाला है, कैसे उसके वीडियो मिल सकते हैं। जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा 101% मेरी ट्राई करूँगा आपके लिए, लाइव मैचेस का पूरा अपडेट लेके आऊँगा, वीडियोस लेके आऊँगा मैचेस के, पूरी जितनी भी जानकारी मिलेगी एशियन गेम रिलेटेड वो आपके लेके आऊँगा। उसके बाद प्रो कबड्डी है, प्रो कबड्डी सीज़न 10 आने वाला है, उसके भी जितने भी अपडेट्स आएंगे नए नए सब आपके लेके आऊँगा फ्रेंड्स। जो 70वीं नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप वो होने वाली है, उसका डेट अभी डिक्लेयर हुआ नहीं है, उसका भी जो भी अपडेट आएगा वो आप तक शेयर करूँगा फ्रेंड्स। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, फिर अलग अलग टॉपिक, अलग अलग जो भी अपडेट्स आएंगे, नए नए अपडेट्स आएंगे कबड्डी के बारे में, उसके ऊपर वीडियो बना के आप तक वो शेयर करूँगा फ्रेंड्स। जो जो नए अपडेट्स मिलेंगे सब आप तक शेयर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके फ्रेंड्स तक। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, या कोई जो भी लाइव मैच आएगी उसके साथ। तो चैनल पे ज़रूर बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।